अयोध्या धाम में रामलला विराजमान के बाद अब संभल स्थित कल्की धाम मंदिर की चर्चा जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के संभल जिले के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी संभल के एचोडा कंबो स्थित श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री कल्की धाम मंदिर के मॉडल का अनावरण और सभा को संबोधित भी करेंगे। श्री कल्की धाम का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई साधु संत, धार्मिक नेता और अन्य गणमान्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद बता चुके हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं आ रहे हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी पधार रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मुझे ये कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना एक विशेष शुभकामना संदेश भेजा है, जो आपको संभवतः प्राप्त हो गया होगा। मैं उसकी एक प्रति दिखा रहा हूं। भारत की राष्ट्रपति महोदया ने श्री कल्की धाम की इस आधारशिला के शिलान्यास समारोह की विशेषता बताते हुए श्री कल्की धाम विश्व को आध्यात्मिक और सद्भावना का संदेश देगा, ऐसी कामना की है और इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब एक घंटे तक वहां मौजूद रहेंगे। हेलीपैड पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कई दिग्गज संत व महात्मा के साथ ही राजनीतिक दलों के लोग भी मौजूद रहेंगे। 10:25 पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर धाम के हेलीपैड पर लैंड करेगा। हेलीपैड पर ही 4 तक उनका स्वागत कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ और जनपद के उच्च अधिकारियों व कल्की पीठ के कुछ संतों के द्वारा होगा। 10:29 पर माननीय प्रधानमंत्री जी श्री कल्की धाम के गर्भगृह पर पधारेंगे। ठीक 10:30 पर माननीय प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में पूरब के द्वार से प्रवेश करेंगे। एक तरफ भक्तों की नजर कल्की धाम के उद्घाटन पर है, तो दूसरी तरफ जानकार इस कार्यक्रम को राजनीतिक चश्मे से भी देख रहे हैं कि क्या कल्की धाम में मोदी के आगमन से पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राह आसान होगी। श्री राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अब श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा के बाद उनका पहला उत्तर प्रदेश का दौरा है। साथ ही रालोद भी एनडीए की अब हम सफर बन चुकी है। लोकसभा चुनाव में 400 पार का संकल्प लेकर चल रही बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी रणनीति के तहत काम कर रही है। 2014 के चुनाव में सभी 14 सीटें मिलने के बाद 2019 में 7 सीटें पार्टी के हाथ से निकल गई थी। इनमें 6 सीटें मुरादाबाद मंडल से हैं। इस बार एक एक सीट को ध्यान में रखकर सियासी ताना बाना बुना जा रहा है। यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद पश्चिम उत्तर प्रदेश को मतना चाहते हैं और इसकी शुरुआत कल्की धाम के शुभ कार्य से हो, इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।